बहुत छोटा है, बहुत छोटा। फाइनली गाइस स्टार्ट हो गया है गोप्रो, तो अभी देख रही आगे भी दिए हुए हैं इसके। जी भाई, तो बैटरी आई, बैटरी और कुछ ज्यादा इसका भाई की बैटरी नहीं मिलती, साथ में इनबिल्ट नहीं होता, मेमोरी लेना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दानिश व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? जैसे ही गाइस नया व्लॉग, बहुत दिन बाद। जैसे ही गाइस आज का व्लॉग कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आज आप लोगों को भी दिखाएंगे कि मोबाइल से व्लॉगिंग करें क्या गोप्रो बेस्ट रहेगा, दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आज आप लोगों को टेस्ट करके हम बताएंगे। जो आज हम बुलाए हैं सुभाष भाई, जो सुभाष भाई लीने गोप्रो 9 लीने, पीछे हमारे खोल के सही कर रहे हैं सुभाष भाई, तो गोप्रो लाए हैं। तो ये गोप्रो कितने का लाए थे सुभाष भाई? 31 का पड़ा मुझे, 31,000 का। जी भाई, जी भाई का पड़ा अभी। तो भाई भी व्लॉगिंग, गाइस भाई भी व्लॉगिंग स्टार्ट करी ने, तो जल्दी जाके इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, जाके इनका टैप करके देखिए, नया चैनल भाई ने बनाया है, सपोर्ट करिएगा, जाके सब्सक्राइब करिए इनका और व्लॉग देखिए। तो अभी देखते हैं भाई अपना खोल ले हैं गोप्रो, 31 का मिला था। इसके साथ क्या क्या मिला था भाई? गोप्रो के साथ केवल गोप्रो आया और इसकी बैटरी आई, बैटरी और कुछ ज्यादा इसके साथ कागज, थोड़ा डाटा केबल बस। बाकी इसके साथ अदर से माइक इनबिल्ट करने के लिए आपको मीडिया मोड लेना पड़ता है, माइक इसमें डायरेक्टली नहीं लगती, डायरेक्ट नहीं लगता, अलग से माइक लेना पड़ता है गाइस। तो अभी हम चेक करते हैं इससे बेस्ट है क्या इससे, तो अभी देखते हैं बेस्ट करके कौन सा है। तो अभी देखते हैं, खोल लें भाई। ये बैटरी नहीं मिलती साथ में, अलग से बैटरी मिलती है इसमें, और आपको इसमें मेमोरी अलग से लगानी पड़ती है, इसमें इनबिल्ट नहीं होता, मेमोरी लेना पड़ेगा सब। तो अभी देखते हैं कौन सा बेस्ट है दोनों में से, आपको क्लिप दिखाएंगे कौन से फ़ोन की कौन से है। iPhone 11 अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी GoPro स्टार्ट करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं GoPro, तो फाइनली गाइस स्टार्ट हो गया है GoPro, तो अभी देखते हैं इसका वेट कितना है। गाइस इसका वेट कुछ 200-300 ग्राम का है, और कुछ स्क्रीन आगे भी दिए हुए हैं इसकी स्क्रीन, और छोटा सा है। तो मोबाइल हम लोग जो यूज़ करते हैं थोड़ा बड़ा हाथ में आता है, ये थोड़ा हाथ में छोटा आ रहा है इसको पकड़ने के लिए। तो अभी देखते हैं इसके क्या कंफर्टेबल, क्योंकि ब्लॉग भी इससे बहुत अच्छा बनता है, सुना है हमने भी। तो आज पहली बार हमने GoPro हाथ में भी लिया और देखा भी है, और आज पहली बार हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका कंपेयर कैसा होता है iPhone के साथ, कौन सा बेस्ट है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। अभी चलते हैं फिर ट्राई करते हैं कौन सा है। तो हमारे सुभाष भाई तो ले ली नहीं ये GoPro, हम भी लेंगे, लेकिन हमने सोचा जब मेरा कुछ बन जाता है सिस्टम, थोड़ा बैठ जाता है, तब उसके बाद GoPro लेते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो लाइन भी पकड़ नहीं रहेगी। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि अभी आप मेरी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, GoPro Hero 9 से हो रही है, तो आप लोग देख रहे हैं अल्ट्रा वाइड ज़्यादा हुआ हो नहीं हुआ, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं, सुभाष भाई को मालूम है कैसा इसमें भाई। सारे अलग अलग से मोड हैं, अल्ट्रा वाइड, वाइड, सिनेमैटिक, और उसमें वॉइस ट्रांसलेशन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सारे सिनेमैटिक, हाँ, सारे शॉट है, सारे, तो ये सब सेट किया जाता है, ये सब सेटिंग से होता है, सब सेटिंग से होता है गाइस। जो अभी हमने देख रहे हैं, आप आवाज़ भी आप कंपेयर कर सकते हैं कैसी आ रही है iPhone 11 में और GoPro 9 में, ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप कैसी है, तो बताइए कमेंट करके कौन सा बेस्ट है। आपको पहला वाला दिखाया है, तो अभी इसको यूज़ किया है आज पहली बार मैंने, तो अभी देखते हैं ये बढ़िया लगा तो हमको GoPro 9 वरना GoPro 10 लेंगे। और यहाँ क्लॉक टावर के पास कुछ हम आए हुए हैं, अपने सुभाष भाई जो खास कर बुलाया था, ये भी मिलना चाहते थे, लेकिन क्या करें, नींद, जानते हैं आप कितनी काहली होती है, नींद आती है तो आदमी नींद ना करे तो सक्सेस हो जाए, वही बात है। तो अब चलते हैं फिर, डायरेक्ट चलते हैं, कुछ चाय आए पीते हैं, उसके बाद गाइस आपसे मिलते हैं। तो अभी क्लॉक टावर के पास है, कुछ इस तरह देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी इधर खड़ी, सुभाष भाई की उधर गाड़ी खड़ी है, और चलते हैं फिर। आप बताइए कमेंट करके कौन सा बढ़िया बेस्ट रहेगा, GoPro ले क्या 11। तो चलिए वीडियो है, इसमें एक और है कि इसमें 5K रिकॉर्डिंग होती है। हाँ गाइस, GoPro में एक ये भी है 5K रिकॉर्डिंग होती है, और ये GoPro एक ऐसा है जेब में भी आप रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं छोटी जगह पर ले जा सकते हैं। चलते हैं फिर, वीडियो यहीं तक एंड करते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आपने देखा रिकॉर्डिंग कैसी है, क्योंकि ये स्मूथ बहुत अच्छा चलता है, हिलता बहुत कम है, तो आप निकाल के रख दिया है GoPro, ये रखा हुआ है, लेकिन भाई कंपेयर में बात किया जाए तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सेट है, और ब्लॉगिंग करने में बहुत बढ़िया लगेगा गाइस, क्योंकि ये छोटा सा है और iPhone थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा शर्म भी आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, आपको सीधा पकड़ के ब्लॉगिंग करना, इसमें लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं आप क्या, हाँ, कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप इसमें ज़्यादा, क्योंकि छोटा सा है। तो GoPro इसको पैक करते हैं, तो चलते हैं फिर चाय पीते हैं, चाय पीने बाद दूसरा व्लॉग बनाने की सोचते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वीडियो GoPro से ले लेते हैं। गाइस जा रहे हैं हम लोग चाय पीने, चाय पी के जाना है, फिर एक ब्लॉग और शूट करने जाना है,
तो अभी चलते हैं फिर चाय वाली दुकान पे पहुंच के आपको दिखाते हैं। एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी हम लोग क्लॉक टावर वाली रोड पे हैं दरवाल, तो चलते हैं चाय की दुकान पे चाय पीते हैं। तो फाइनली गाइस आ गए हैं, गाड़ी हम लोग ने लगा दी है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट चाय पीते हैं। बहुत अच्छी चाय होती है इनकी चचा की, चौराहे इसके बगल में लगाते हैं। अब चलते हैं चाय बोलते हैं, उसके बाद बैठ के पी के रूमी गेट चलते हैं। तो चाय बना रहे हैं सामने, तो अभी हम लोग ने चाय दो चाय कह दी एक बनमक्खा ने, तो अभी जब तक चाय बना रहे बहुत बढ़िया चाय बेहतरीन होती है, तो अभी पी के इधर ही कहीं जगह भी नहीं है आज, क्लॉक टावर उधर है, लड़ाई हो गई है देख सकते हैं लड़ाई हो गई है। सुभाष भाई मेहनत कितनी होती है, मेहनत नहीं है, भड़क भी जाते हैं गाइस। तो अभी चाय पीते हैं और बनमक्खन खा के फिर उसके बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस बनमक्खन आ गया है, पहले सुभाष भाई उधर खड़े हुए हैं चाय ले रहे हैं, चाय ले के आते हैं फिर इसके बाद खाते हैं, और अभी चलते हैं रूमी गेट की तरफ कुछ सीन देखते हैं क्या लेने वाला है। फाइनली गाइस बनमक्खन आ गया है, पहले सुभाष भाई उधर खड़े हुए हैं चाय ले रहे हैं, चाय ले के आते हैं फिर इसके बाद खाते हैं, और अभी चलते हैं रूमी गेट की तरफ। ये लिए हैं सुभाष भाई अपने चाय, तो और चल आते हैं एक बनमक्खन और लेके। फाइनली गाइस जैसा कि चाय पी चुके हैं, चाय पी के अब जा रहे घर पे गाड़ी खड़ी करेंगे सुभाष भाई की, उसके बाद निकलेंगे चारबाग की तरफ। और रूमी गेट ये रहा रूमी गेट, अभी काम चल रहा है, थोड़ा काम चल रहा है, रूमी गेट बेंड हो रहा है, तो इस वजह से चलते हैं अब चलते हैं घर की तरफ। उसके बाद कपल्स देखे गाइस, तो अब चलते हैं डायरेक्ट घर की तरफ, और उसके बाद ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं गाइस। और बड़ा इमाम बाड़ा है ये, ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड ब्लॉग आए तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं फिर नया ब्लॉग आपको देते हैं, यहीं तक रोकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।